गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 6.3, जिसमें हमारे पास फर्स्ट सम क्या है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हमें क्या पूछ रहा है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताया था। अब इसमें क्या कह रहा है कि नंबर हमें गिवन है, उसका स्क्वायर रूट बताना, यानी कि ये किसका स्क्वायर होगा। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, यूनिट डिजिट इज़ वन, इसमें हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है, वन है। तो स्क्वायर रूट, अब हम मैंने आपको बोला था कि 20 तक जो स्क्वायर होते हैं ना, वो आप लर्न कर लीजिए। अगर 1 से 9 भी लर्न है तो यूनिट डिजिट वाला जो सम होगा वो तो ईजिली हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का स्क्वायर करें 64, 9 का स्क्वायर करें तो हम 81। अब इसमें से हमें देखना है कि जो 1 है यूनिट डिजिट किस किस का स्क्वायर है, या तो 1 का है या फिर 9 का है। 9 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि स्क्वायर रूट जो उसका होगा, स्क्वायर रूट, तो जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है ना वो कितनी आ गई, 1 और 9 आ गई। तो स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, स्क्वायर इस नंबर के स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 1 और 9, दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि दोनों का जो स्क्वायर है वो क्या है, उसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। यहाँ पर 81 का फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 है। उसके बाद जैसे कि ये दे रखा है 99,856, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो किसके स्क्वायर रूट में उसका यूनिट डिजिट 6 होता है, तो 6 6 36 और 4 4 16, इन दोनों का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो इट मीन्स देन द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट इज 6 और 4, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 6 होगा या फिर 4 होगा। उसके बाद ऐसे ही हैं सारे पार्ट, आपको खुद को सॉल्व करने हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें ये बताना है कि विदाउट कैलकुलेशन हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो फर्स्ट दे रखा है 153, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। अगर मैंने ऊपर स्क्वायर लिखे हैं किसी के, तो किसी में भी यूनिट डिजिट क्या है, 3 नहीं आया। तो विच मीन्स 153 इज़ अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट डिजिट इज़ अ 3, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। ऐसे ही सेकंड 257, इसका भी यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, ठीक है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है होगा। फोर्थ पार्ट क्या है, 441, तो 441 में भी परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। तो यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड सम है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की रिपीटेशन करने के लिए करते हुए हमें यह बताना कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। उसका जो फर्स्ट है मैं एक बार सॉल्व कर रही हूँ, 169 आपको खुद को करना होगा। इसमें हम क्या करते हैं, ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं गिवन नंबर में से। 100 माइनस 1 99, 19 जो आंसर आएगा माइनस करने पर, उसमें से हम 1 के बाद ओड नंबर 3 आता है उसको माइनस करेंगे 96, 96 के बाद 3 के बाद ओड नंबर आता है 5, देन 91। ऐसे ही कॉन्टिन्यू वे में करते जाएंगे, तो 91 में से 7 गए 84, 84 में से 9 गए 75, ऐसे करते करते कहाँ जाके ये माइनस होगा, 19 माइनस 19, 0। तो यहाँ पर स्टेप हमें देखना कि हमने कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया है, ये नहीं कि 19 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 19, नो। स्टेप हमें काउंट करने होंगे कितने हमने सब्ट्रैक्ट किए हैं। तो ये टोटल स्टेप 0 कब, 0 आना चाहिए लास्ट में, तो 0 जब तक आएगा तब तक नहीं आएगा, तब तक हम स्टेप को रिपीट करते जाएंगे। जब 0 आ जाए तब हमने क्या करना है, स्टेप को काउंट करना है, हमने ये कितनी बार किया, 1 2 3 4 5
सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, तो स्क्वायर रूट हमारा क्या आ गया, टेन हो गया। जितने टाइम हम स्टेप माइनस करेंगे उतने टाइम हमारा क्या वही होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमें आती है, 729 का प्राइम फैक्टर हमने फाइंड कर लिया, तो इसके फैक्टर कितने आगे, सिक्स टाइम थ्री, तो 729 के फैक्टर लिखे। अब स्क्वायर क्या होती है, किसी की पावर टू, ठीक है, किसी भी नंबर की पावर टू, इट मीन्स हमें टू टू के पेयर बनाने हैं, हमने टू टू के पेयर बना लिए, ठीक है। जब टू टू के पेयर बनाए, इस पेयर में से हम ओनली वन थ्री लिखेंगे, इस पेयर में से वन थ्री लिखा और इस पेयर में से वन थ्री लिखा, अब तीनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा 27, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 27 आ गया। सिमिलरली थर्ड पार्ट है 9604, इसके फैक्टर फाइंड कर लिए, पेयर बना लिए, एक पेयर टू का बना था उसमें से वन टू लिखा, एक पेयर सेवन बना था तो उसमें से भी सेवन वन टाइम लिखेंगे, और एक ये पेयर बना था उसमें से भी सेवन लिखा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 98, तो इसका 9604 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 98 हो जाएगा। तो ये 6.2 के फोर सम तक आपको सोल्व करने हैं, नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।